हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। जवान की और एक एपिसोड लेकर आ गया, मतलब एडवांस बुकिंग, फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग हुआ है और एक पहले एपिसोड किया था कल और आज 24 आवर्स के बाद और भी एक नया अपडेट आ चुका हूँ। कल मैंने कितना कहा था, कितना कलेक्शन हुआ था, 4,40,00,000, मतलब टोटल जो टिकट सोल्ड आउट होते। तो आज कितना हो सकते हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेड, डबल हो सकता है? नहीं, डबल से भी ज्यादा हुआ है। यस, 10,75,00,000 का टिकट सोल्ड आउट है। सोचिए 10,75,00,000, अभी भी 5 दिन बाकी है लेकिन इस लेवल का टिकट सोल्ड आउट हो रहा है और टोटल जो टिकट है अराउंड 3,31,000 का टिकट सोल्ड आउट है। सोचिए किस लेवल का चल रहा है। कल था 80,000 के आसपास, आज हो गया है कि 3,31,000। तो अगर हिंदी वर्षन की बात करें, हिंदी 2D वर्षन में इसने कितना टिकट सोल्ड आउट हुआ है, वो है आपका 3,14,000 का टिकट सिर्फ हिंदी 2D वर्षन से सोल्ड आउट हुआ है और इसका टोटल अमाउंट अराउंड आप कह सकते 9.80 करोड़, मतलब 9,80,00,000 इसके आसपास हुआ है सिर्फ हिंदी 2D वर्षन से टिकट सोल्ड, टिकट का जो अमाउंट है। तमिल में 4,100 टिकट सोल्ड आउट हुआ है और इसका टोटल अमाउंट होगा अराउंड 6.50 लाख, ठीक है, मतलब 6.5 लाख। और तेलुगु वर्षन में 3,00,000 का टिकट सोल्ड आउट हुआ है, सिर्फ 1,600 टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ है। तो हिंदी वर्षन में ज्यादा से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुआ है। इसमें मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 3 जो नेशनल मल्टीप्लेक्स है, इन 3 मल्टीप्लेक्स मिलाकर ही अराउंड 1,72,000 टिकट सोल्ड आउट हुआ है। बाकी सारे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लेक्स से ज्यादा हुआ है टिकट सोल्ड आउट 1,72,000। अगर आप अब शो की बात करें, कितना किस जगह कितना शो चल रहा है, कल जितना मैंने कहा था आज उतना डबल है और कई सारी जगह पे 50% कह सकते हैं कि ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है और फिल्म फर्स्ट पे जा रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में आपका 775 शो, मतलब 775 शो, उसमें 180 हाउसफुल और 21% ऑक्युपेंसी। मुंबई में 726 शो, मतलब 726 शो, उसमें 110 हाउसफुल। सोचिए 110 हाउसफुल, कल जो जितना मैंने कहा था उससे डबल जा रहा है, मतलब शो का जो संख्या है वो डबल हो गया है। पुणे में 281 शोज, इसमें 13 हाउसफुल और 34 फिल्म फर्स्ट। बेंगलुरु में 287 शोज, इसमें 53 हाउसफुल और 55 आपका कह सकते हैं कि फिल्म फर्स्ट। हैदराबाद में आप याद रखेगा, ये जो मैं शोज बता रहा हूँ ये हिंदी 2D वर्षन का है। हैदराबाद में आपका 202 शो, इसमें 115, मतलब 115 शो हाउसफुल। हैदराबाद में हिंदी वर्षन हाउसफुल जा रहा है 115 और इसका 21 आपका फिल्म फर्स्ट है और 44% ऑक्युपेंसी। अब बात करते हैं कोलकाता में 219 शोज खुला है और उसमें 109, मतलब 109 शो हाउसफुल। सोचिए 109 शो हाउसफुल 219 शो में और फिल्म फर्स्ट है आपका 42 फिल्म फर्स्ट, मतलब बहुत जल्दी भर्ती हो जाएगा और 50% ऑक्युपेंसी। KKR जिंदाबाद ऐसे कहना चाहिए क्योंकि मतलब वहाँ पे तो IPL का टीम है, इस वजह से पता नहीं जवान से इतना क्रेज कलकत्ता में, पहले पठान में भी नहीं था इतना क्रेज हो रहा है, मतलब कल भी नहीं था आज तो इसका मतलब ट्रिपल ज़्यादा हो गया। अब अहमदाबाद में 234 शोज, उसमें 5 हाउसफुल और 18 फिल्म फर्स्ट और 11% ऑक्युपेंसी। चेन्नई में 48 शोज और 42% ऑक्युपेंसी। सूरत में 186 शोज, जयपुर में 157 शोज, 25% ऑक्युपेंसी। कोयम्बटूर, अब साउथ को चलते हैं, कोयम्बटूर में 12 शोज, कोची में 40 शोज, 30% ऑक्युपेंसी। कोची में 6 AM का शो रखा गया है, ये 6 AM का शो रखा गया हिंदी वर्षन, सोचिए हिंदी वर्षन कोची में 6 AM का शो रखा गया। त्रिवंद्रम में 42 शोज, उसमें 6 हाउसफुल और 6 है फिलिंग फास्ट। मैसूर में 20 शोज रखा गया और 20% ऑक्युपेंसी। अमृतसर में 33 शोज, भुवनेश्वर में 40 शोज और 20% ऑक्युपेंसी। सोचिए किस लेवल का क्रेज है और कई सारे सिटीज है, कई सारे जगह है, तो मैं सारे बता नहीं सकता लेकिन किस तरह से चल रहा है। कलकत्ता में तो मैं आप लोगों को बताया कि 219 शोज, मतलब 219 शोज में 109 हाउसफुल और 50% ऑक्युपेंसी जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है पता नहीं जिस तरह से चल रहा है। कल जब मैं इसका और एक एपिसोड बनाऊंगा, एक दिन में कितना आप कह सकते हैं कितना ओवरकम किया है, कितना
इसका कलेक्शन हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 करोड़ तो पहुंच ही जाएगा। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लेकिन कल तो संडे है, कल सुबह से एकदम भरपूर स्टार्ट हो जाएगा, तो 18 करोड़ के आसपास तो जाएगा। तो देखना ये कितना जाता है एडवांस बुकिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसकी और एक एडवांस बुकिंग एपिसोड में। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।